आज के समय मैं साधु सैन। दोस्तों, कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे दरमियान एक ऐसा वायरस पाया जाएगा जो अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगियां लेके जाएगा। जी हां, हमारे दरमियान आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस नामी वबा मौजूद है, जिसने 192 यानी कि 152 ममालिक को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ताकतवर ममालिक, कमजोर ममालिक, उनकी गवर्नमेंट्स सिर्फ इसी कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से उनके हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी आ जाए, एक ऐसी स्ट्रेटजी आ जाए, एक ऐसा प्लान आ जाए कि जिसके चलते इसको इंप्लीमेंट करके वो इस वबा पे काबू पा सकें। इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ने कल पाकिस्तान की आवाम से खिताब किया। आप भी मुलाहिजा कीजिए। आज पाकिस्तान के शहरों को बंद कर दे, दो वक्त की जो कि दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और उसके ऊपर 20% ऐसे लोग हैं गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द हैं। इसके लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूँ, नौजवानों की फोर्स होगी, हमारी फौज के साथ मिलके, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, उन इलाकों के अंदर जिनको हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये वो लोग होंगे जो वहाँ खाना पीना पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो कोरोना रिलीफ टाइगर्स होंगे, यंग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे स्टूडेंट्स, कोई भी शिरकत कर सकते। हमारे एहसास प्रोग्राम फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज के ऊपर एक तरफ हम कहेंगे कि जो भी लोग चाहते हैं, किसी गांव में बैठे हैं, उनके राशन की जरूरत है, ऊपर रजिस्टर करें। और हर मुसलमान दीना की रियासत को रोल मॉडल समझता है। अगर हम बाहसियत कौम वो कमजोर तबकों को, जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, पैसा नहीं है, अगर हमने ये जंग जीतनी है तो इन लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, जंग नहीं जीत सकते। आपने इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर सुनी। इमरान खान साहब, जरा सोचिए कि आपने जो टाइगर फोर्स बनाने का फैसला किया है, जिसमें आपने स्टूडेंट्स को दावत दी, जिसमें आपने यंगस्टर्स को दावत दी, और आपने कहा है कि पाक आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मिलके उन लॉकडाउन इलाकों के अंदर जाएंगे जहां पे जो है ज्यादा खर्चा है कोरोना वायरस का, और जहां पे लोगों को खाना मैसर नहीं है। क्या आपको लगता है कि टाइगर फोर्स, अगर कराची से कोई शहरी जो है इस टाइगर फोर्स से रابطہ करेगा, तो क्या टाइगर फोर्स उनकी मदद कर सकती है? जरा सोचिए। आपने मदीनतुल रियासत की बात की, आपने कहा कि हर मुसलमान की आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिनेरियो माना जाता है कि वो मदीनातुल रियासत के निज़ाम को आइडियल निज़ाम समझता है। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी हो सकती है, आप मदीनातुल रियासत के निज़ाम को ला सकते हैं, लेकिन आपके कैबिनेट में जो लोग हैं, क्या वो मदीनातुल रियासत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारवा में शामिल थे? क्या आपके कैबिनेट में वैसे अफराद मौजूद हैं? आपने कहा कि टाइगर फोर्स को राबता करने के लिए आप फेसबुक का जो पेज लॉन्च किया गया है, आप उस पर राबता कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, जरा सोचिए कि 36% पाकिस्तान के अफराद के पास इंटरनेट सर्विस मौजूद है, 100% में से सिर्फ 36%, तो बाकी जो लोग बचे वो किस तरीके से टाइगर फोर्स से राबता करेंगे? जरा सोचिए कि आप सिंध की अगर बात करें टाइगर फोर्स के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि आपकी टाइगर फोर्स डायरेक्टली जो है सिंध के अंदर काम कर सकती है? बकौल आपके, आपने खुद ये बात कही कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे होते हैं वो अपने इकदाम उठाने के जो है खुद जो है जिम्मेदार होते हैं, वो अपने इकदाम खुद उठा सकते हैं, उनको पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इमरान खान साहब, जरा सोचिए, सबसे बेहतर तरीक़ेकार शायद यही है कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे, इस वबा में भी, इस वबा के बाद भी। इनफरादी तौर पे मैं मेज़बान साद हुसैन सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि हाथ प्रॉपर तरीके से धोइए और घर पे रहिए जितना पॉसिबल हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।